यदि आप एक कैट लवर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप नहीं हैं, तो रुकिए, आप जो सीखेंगे उससे आप हैरान हो जाएंगे। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना और नोटिफिकेशंस चालू करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आगामी वीडियो से ना चूके। अब चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर एक, बिल्लियां 100 से अधिक अलग अलग आवाजें बना सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि बिल्लियां वास्तव में बहुत ही मुखर जानवर हैं? वे म्याऊं, खर्राटे, चहकने और यहां तक कि ट्रिल्स जैसी 100 से अधिक अलग अलग आवाजें बना सकती हैं। जबकि हम बिल्लियों को अपेक्षाकृत शांत प्राणी मान सकते हैं, वे वास्तव में काफी बातूनी हैं, अगर आप उन्हें सुनना जानते हैं तो। बिल्लियों द्वारा सबसे अधिक सुनाई जाने वाली आवाज म्याऊ है, जिसका उपयोग वे मनुष्यों के साथ साथ अन्य बिल्लियों के साथ भी संवाद करने के लिए करते हैं। वास्तव में वयस्क बिल्लियां शायद ही कभी एक दूसरे से म्याऊ करती हैं। यह मुख्य रूप से बिल्लियों का ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका है। इसलिए अगली बार जब आपकी बिल्ली आपसे म्याऊ करे, तो ध्यान दें, वे आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट नंबर दो, बिल्लियों में अविश्वसनीय संतुलन और प्रतिक्रियाशीलता होती है। हम सभी ने बिल्लियों को अविश्वसनीय ऊंचाई से कूदते हुए या गिरने के बाद अपने पैरों पर उतरते हुए देखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिल्लियों में एक अविश्वसनीय भावना और प्रतिक्रियाशीलता है जो उन्हें ऐसा करने में सक्षम बनाती है? बिल्लियों में एक लचीली रीढ़ और शक्तिशाली मांसपेशियां होती हैं जो उन्हें हवा में अपने शरीर के मुद्रा को समायोजित करने में मदद करती हैं। साथ ही साथ एक स्थानिक जागरूकता की भावना जो उन्हें अपने पैरों पर उतरने में मदद करती है। वास्तव में बिल्लियां इतनी इंटेलिजेंट होती हैं कि वे 32 मंजिल तक की ऊंचाई से गिरने के बाद भी बिना किसी गंभीर चोट के बच सकती हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपनी बिल्ली को एक ऊंची जगह पर बैठा देखें, तो बहुत चिंता न करें, वे जो कर रहे हैं वे जानते हैं। फैक्ट नंबर तीन, बिल्लियों में अद्भुत नाइट विजन यानी कि रात दृष्टि है। बिल्लियां अपनी रात की दृष्टि के लिए जानी जाती हैं, और अच्छे कारण के लिए। बिल्लियों की आंखों में विशेष कोशिकाएं होती हैं, जो कम प्रकाश की स्थिति में भी देखने की क्षमता प्रदान करती हैं। उनके पास रेटिना के पीछे एक परावर्तक परत भी होती है, जिसे टेपेटम ल्यूसिडम कहा जाता है, जो किसी भी उपलब्ध प्रकाश को बढ़ाने में मदद करता है। इसका मतलब है कि जितने नॉर्मल प्रकाश की जरूरत ह्यूमन आईज को होती है, उससे 6 गुना काम लेवल्स में भी बिल्लियां स्पष्ट रूप से देख सकती हैं। इसलिए अगली बार जब आप अंधेरे में ठोकर खा रहे हों, तो बस याद रखें, आपकी बिल्ली शायद ठीक देख सकती है, आप नहीं। फैक्ट नंबर चार, बिल्लियां अपने विस्कर्स का उपयोग नेविगेट करने के लिए करती हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी बिल्ली कैसे सबसे संकीर्ण स्थानों से भी बिना किसी बाधा के नेविगेट करने में सक्षम है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बिल्लियां अपने विस्कर्स का उपयोग नेविगेट करने में मदद के लिए करती हैं। विस्कर्स अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और हवा के प्रवाह में भी मामूली परिवर्तनों का पता लगा सकते हैं, जिससे बिल्लियों को उनके आसपास की वस्तुओं की उपस्थिति का पता लगाने में मदद मिलती है। यह विशेष रूप से बिल्लियों के लिए जब वे अंधेरे में शिकार कर रहे होते हैं, उनके विस्कर्स उन्हें अपने लक्ष्य की गतिविधि को महसूस करने में मदद कर सकते हैं, भले ही वे इसे नहीं देख सकें। इसलिए अगली बार जब आप अपनी बिल्ली को किसी चीज से ब्रशिंग करते हुए देखें, तो बस याद रखें, वे अपने आसपास के वातावरण को मैप करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। फैक्ट नंबर पाँच, बिल्लियां आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकती हैं। एक बिल्ली के मालिक होने से वास्तव में आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि बिल्ली को सहलाने से तनाव और चिंता कम हो सकती है, रक्तचाप कम हो सकता है, और यहाँ तक कि मस्तिष्क में एंडोर्फिन, गुड फील हार्मोन भी निकल सकते हैं। वास्तव में कुछ चिकित्सक पशु असिस्टेड थेरेपी का उपयोग करते हैं, जिसमें रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों में मदद करने के लिए बिल्लियों जैसे जानवरों को थेरेपी सत्रों में लाना शामिल होता है। इसलिए अगली बार जब आप खाली बैठे हों, तो अपनी बिल्ली के साथ कुछ क्वालिटी समय बिताएं। फैक्ट नंबर छह, बिल्लियों के पास एक यूनिक पॉ प्रिंट होता है। जैसे मनुष्यों के पास अद्वितीय उंगलियों के निशान होते हैं, बिल्लियों के पास भी अद्वितीय पंजे के निशान होते हैं। एक बिल्ली के पंजे के निशान एक श्रृंखला से बने होते हैं जो पूरी तरह से उस बिल्ली के लिए यूनिक होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी बिल्ली के पंजे के निशान को ध्यान से देखें, तो आप उन्हें उसी तरह पहचान सकेंगे जैसे आप किसी इंसान को उनके उंगलियों के निशान से पहचान सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपकी बिल्ली खिड़की पर एक पंजा का निशान छोड़ती है, तो इसे और करीब से देखें, आप हैरान हो जाओगे हैं कि यह कितना यूनिक है। फैक्ट नंबर सात, बिल्लियां मिठास का स्वाद नहीं ले सकती हैं।
मानवों और कई अन्य जानवरों के विपरीत बिल्लियां मिठास का स्वाद नहीं ले सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास मीठे स्वाद का पता लगाने के लिए आवश्यक टेस्ट बड्स नहीं होते हैं। वास्तव में बिल्लियों में टेस्ट बड्स की कुल संख्या मनुष्यों की तुलना में कम होती है। यही वजह है कि वे जो खाते हैं उसके प्रति बहुत जिद्दी हो सकते हैं। जबकि बिल्लियां मांसाहारी होती हैं और उन्हें अपने आहार में मांस की आवश्यकता होती है, वे कुछ स्वादों और बनावटों को पसंद करते हैं। इसलिए अगली बार जब आपकी बिल्ली किसी विशेष भोजन को ठुकरा दे तो बस याद रखें, यह नहीं है कि वे जिद्दी हैं, वे बस मिठास का स्वाद नहीं ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, बिल्लियां बहुत ज्यादा सोती हैं। हम सभी जानते हैं कि बिल्लियां सोना पसंद करती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे वास्तव में कितना सोती हैं? औसतन बिल्लियां दिन में लगभग 16 घंटे सोती हैं। ये औसत मनुष्य से दोगुना है। बिल्लियां क्रेपस्कुलर जानवर हैं, जिसका अर्थ है कि वे सुबह और शाम को सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। यही कारण है कि आप अक्सर अपनी बिल्ली को दिन के दौरान सोते हुए देखेंगे और फिर शाम को अधिक सक्रिय। इसलिए अगली बार जब आप अपनी बिल्ली को एक गेंद के साथ खेलते हुए देखें, तो याद रखें, वे केवल अपनी प्राकृतिक दिनचर्या का पालन कर रही हैं। फैक्ट नंबर 9, बिल्लियों को हजारों सालों से पालतू बनाया जा रहा है। बिल्लियां मनुष्यों के साथ हजारों सालों से रह रही हैं। पालतू बिल्लियों के सबसे पुराने प्रमाण प्राचीन मिस्र से मिलते हैं, जहां बिल्लियों को पवित्र जानवरों के रूप में माना जाता था। समय के साथ बिल्लियां पूरी दुनिया में फैल गईं और चूहों और अन्य इंसेक्ट्स को मारने की उनकी क्षमता के कारण वैल्यूएबल बन गई। आज बिल्लियां दुनिया में सबसे लोकप्रिय पालतू जानवरों में से एक हैं और अनुमानित 220 मिलियन बिल्लियां घरों में रहती हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपनी बिल्ली को गले लगाएं, तो याद रखें, आप एक परंपरा को जारी रख रहे हैं जो हजारों सालों से चली आ रही है। फैक्ट नंबर 10, बिल्लियों में एक तीसरी पलक होती है। अपनी ऊपरी और निचली पलकों के अलावा बिल्लियों में एक तीसरी पलक भी होती है, जिसे निकोटाइटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह मेम्ब्रेन पारदर्शी होती है और आंख के पार हॉरिजॉन्टल रूप से चलती है, जो आंख के लिए एक अतिरिक्त परत की सुरक्षा और लुब्रिकेशन प्रदान करती है। बिल्लियां इस तीसरी पलक का उपयोग अपने आंखों को शिकार करते समय और सोते समय बचाने के लिए करती हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपनी बिल्ली की तीसरी पलक देखें, तो बस याद रखें, यह एक बीमारी या चोट का संकेत नहीं है, यह उनके शरीर रचना का एक प्राकृतिक हिस्सा है। फैक्ट नंबर 11, बिल्लियां अंधेरे में नहीं देख सकती हैं। बिल्लियों में उत्कृष्ट रात दृष्टि यानी कि नाइट विजन होती है, लेकिन वे अंधेरे में नहीं देख सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें अभी भी कुछ हद तक प्रकाश की आवश्यकता होती है, ताकि वे वस्तुओं को देख सके। पूर्ण अंधेरे में बिल्लियां अन्य इंद्रियों जैसे उनकी गंध और उनकी विस्कर्स पर निर्भर करती हैं, ताकि अपने आसपास के वातावरण को नेविगेट कर सके। इसलिए अगली बार जब आप एक अंधेरे कमरे में अपनी बिल्ली के साथ हों, तो बस याद रखें, वे सुपरहीरो नहीं हैं, उन्हें अभी भी कुछ हद तक प्रकाश की आवश्यकता है, ताकि वे देख सके। फैक्ट नंबर 12, बिल्लियां का पानी पीने का एक अनोखा तरीका होता है। क्या आपने कभी अपनी बिल्ली को पानी पीते हुए देखा है? अगर ऐसा है तो आपने शायद नोटिस किया होगा कि वे इसे कुत्ते या इंसान की तरह नहीं करते हैं। इसके बजाय बिल्लियां एक अद्वितीय विधि का उपयोग करती हैं, जिसे लैपिंग कहा जाता है। पानी पीने के लिए बिल्लियां अपनी जीभ को पीछे की ओर घुमाते हैं और अपनी जीभ के सिरे से एक पानी के स्तंभ का निर्माण करते हैं, जिसे वे फिर अपने मुंह में चूसते हैं। ये स्टाइल अत्यधिक कुशल है और बिल्लियों को कम समय में बड़ी मात्रा में पानी पीने की क्षमता प्रदान करती है। इसलिए अगली बार जब आप अपनी बिल्ली को पानी पीते हुए देखें, तो बस याद रखें, वे केवल पानी पी नहीं रही हैं, बल्कि लैपिंग कर रही हैं। फैक्ट नंबर 13, बिल्लियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। आम धारणा के विपरीत बिल्लियों को विभिन्न चाल और व्यवहारों को करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। जबकि वे कुत्तों के समान इच्छुक नहीं हो सकती हैं, वे अभी भी सीख सकती हैं और नई चीजें करना पसंद करती हैं। कुछ सामान्य चीजें जो बिल्लियों को सिखाई जा सकती हैं, उनमें आना, बैठना और यहाँ तक कि शौचालय का उपयोग करना भी शामिल है। इसलिए अगली बार जब आप अपनी बिल्ली के साथ हों, तो कुछ समय निकालें और उन्हें कुछ नया सिखाने का प्रयास करें, आप दोनों को मजा आएगा। तो ये थे बिल्लियों के बारे में कुछ रोचक तथ्य। अंत में हम आशा करते हैं कि आपको इन दिलचस्प तथ्यों के बारे में जानने में मजा आया है।
अगर आपके पास कोई सवाल या टिप्पणी है तो कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही और भी ज्यादा रोचक तथ्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट factober.com को विजिट करें। धन्यवाद।